हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ हेतल गोस्वामी फ्रॉम माँ आशापुरा विद्या संकुल। टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट एसएस एंड अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, किस तरह से वन्य जीवों के ऊपर जो असर हो रही है उस असरों के बारे में हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं एनिमल्स की, उसके बारे में देखा था। आगे के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से वन्य जीव हैं उसके विनाश के कारण हैं, और उसी विनाश को बचाने के लिए उसके उपायों के बारे में भी हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि देखें तो गंगेश रिवर डॉल्फिन है, उसके बारे में भी हमने देखा था कि किस तरह से ये जो डॉल्फिन है वो हमें इंडिया के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर हमें दिखने को मिलती हैं। तो आजकल वही डॉल्फिन के ऊपर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में भी हमने देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम्स, यानी कि जो वन्य जीव हैं उसके संरक्षण की योजनाएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला जो हेडिंग दिया गया है एक टाइगर का पिक्चर दोहरा हुआ है। तो ये जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम, यानी कि जो अलग अलग वन्य जीव हैं उन जीवों को बचाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमें टोटल 6 जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, वो हमें बताई गई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से यहाँ पे ये जो 6 जो हैं टॉपिक उसकी जो बताई गई हैं कि किस तरह से ये अलग अलग स्कीम बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो भारत के अंदर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ ऐसी योजनाएँ बनाई गई, कुछ ऐसी स्कीम बनाई गई जिसका अमल हमें आज भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि योजनाओं के कारण यहाँ पे अतिरिक्त क्या हुआ कि ये जो एनिमल हैं उसके ऊपर संकट आ पड़ा। उसी संकट को बचाने के लिए हमें ये अलग अलग जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं उसे बनाना पड़ा। हम यहाँ पे देखें तो अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत संकट में आए हुई जो प्रजातियाँ हैं, जो नजदीक के भविष्य में लुप्त होने का जिसका संकेत हो, ऐसी प्रजातियों का संरक्षण की खास शुरू करना पड़ा, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो महत्व की योजनाएं हमें यहाँ पे बताई गई हैं जो शॉर्ट में दी गई है। तो यहाँ पे जो पहली प्रोटेक्शन योजना है वो कौन सी है, तो टाइगर प्रोजेक्ट। ये जो वाघ परियोजना है उसके बारे में देखें तो यहाँ पे एक सर्कल के अंदर टाइगर का पिक्चर बनाया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे देखें हम यहाँ पे, तो एक अंदाज के मुजब 20वीं सेंचुरी में, यानी कि 20 सेंचुरी के शुरुआत में भारत में जंगलों के सबसे ज़्यादा 40,000 से भी ज़्यादा ये जो टाइगर हैं वो हुआ करते थे। तो अनियंत्रित गैर कायदे सर होने के कारण इनका जो शिकार है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ, तो उसके परिणामों के कारण इनका जो अस्तित्व है उस पर बहुत सारा खतरा आ गया। इसके संजोगों के उपरांत 1971 में हम यहाँ पे देखें तो टाइगर को बचाने के लिए, बचाने की हेतु के कारण यहाँ पे एक परियोजना स्टार्ट की गई जो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर हुई। इसके मुजब हम देखें तो टाइगर को कुदरती ही आवासों में सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण के संतुलन को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तरों से ही श्रेणीबद्ध ऐसी जो बातें हैं उसकी यहाँ पे बात की गई। यहाँ पे हम देखें तो अभी तक देश के अंदर, देश में 44 जितने क्षेत्रों के अंदर ये जो योजना है वो कार्यरत है। कौन सी योजना, तो टाइगर प्रोजेक्ट है, वो आज भी कुछ जगहों पे, यानी कितनी जगह है तो 43, यानी कि 44 जो जगह हैं वहाँ पे ये क्षेत्र के अंदर ये योजना आज भी चालू है। क्लियर, ये थी टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट पेज पे आप पाएं पेज नंबर 71 पे, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किस तरह से थिंग्स टू नो, तो लेपर्ड के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि लेपर्ड क्या है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो लेपर्ड के बारे में लिखे हुए हैं, तो देखें यहाँ पे
जो लेपर्ड है वो कैट की तरह से दिखता है, यानी कि लेपर्ड बिलोंग टू कैट फैमिली। जो लेपर्ड है वो कैट की फैमिली का माना जाता है। जो लायन है, टाइगर है, उसकी तुलना में ये उनका जो कद है वो सबसे शॉर्ट होता है। हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो बस्ती है, इसकी जो बस्ती है वो समग्र भारत में हमें दिखने को मिलती है। आज संपूर्ण रूप से हम देखें तो काले रंग के भी यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। गुजरात के जंगलों में ये सबसे ज़्यादा संख्या में बताए गए हैं। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टू ह्यूमन, यानी कि द ऑफन कम्स टू ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पे मानव की बस्ती भी आप ये बार बार कहाँ आ पड़ता है, तो मनुष्य की जो बस्ती है वहाँ पे भी ये बार बार आ जाता है, जिसके कारण लोग हैं वो उसकी जानकारी के अभाव के कारण इसे चित्ते के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में हमने देखा अभी लेपर्ड के बारे में कि लेपर्ड क्या है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि थिंग्स टू नो, तो चित्ते के बारे में यहाँ पे बताया गया है। भारत के जंगलों के अंदर संपूर्ण नाम से हुआ है ये प्राणी। हाल के कुदरती आवास में मात्र हम देखें तो अफ्रीका खंड में ही यह देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर हम देखें तो बंधनावस्था यानी कि प्राणी संग्रहालय में ये हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप दो पिक्चर देखें, एक तो है पिक्चर लेपर्ड की, दूसरी है चित्ते की। तो दोनों की पिक्चर में कोई खास ऐसी बात तो नहीं है, दोनों सेम ही लगते हैं, पर क्या है लोग आज भी यहाँ उसे पहचान पाते नहीं हैं। क्लियर? इसके बाद है तो एलिफेंट प्रोजेक्ट। अब ये जो हाथी परियोजना क्या है उसके बारे में हम देखें तो 1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। सबसे पहले मुख्य हेतु से हम देखें तो हाथियों के हम रूप में देखें तो कुदरती आवासों के अंदर इसका संरक्षण को बचाने के लिए, कुदरती निवास स्थान में उसके स्थानांतर को मार्ग को दिखाने के लिए संरक्षण इनका करना पड़ा। किनका संरक्षण करना पड़ा? तो एलिफेंट का संरक्षण हमें करना पड़ा। हाल ही में देश के अंदर हाथियों के ऊपर हम देखें तो 26 चितने संरक्षित विस्तार यहाँ पे बनाए गए हैं। किन के लिए? तो ये एलिफेंट हैं उनके लिए 26 ऐसे आरक्षित संरक्षित विस्तार बनाए गए हैं। इसकी योजना का अमलीकरण भी सबसे ज़्यादा करना जरूरी है। जंगलों के अंदर हाथियों का संख्या सबसे ज़्यादा है, उसकी जगह संख्या है वो भी बड़ी है। इसके उपरांत इस योजना है वो पालतू हाथियों में पालन पोषण के लिए भी कामगिरी करनी पड़ती है। तो देखा आपने किस तरह से ये जो एलिफेंट है उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद है वो है राइनो प्रोजेक्ट। ये जो गेंडा परियोजना है उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो इस परियोजना के अंदर एक सिंग वाला भारतीय गेंडा संरक्षण के लिए बनाने में आया है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हम देखें तो ये जो गेंडे हैं यानी कि ये जो राइना है वो असम राज्य में दिखने को मिलता है। इसके उपरांत पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी ये कुछ ऐसी संख्याओं में हमें दिखने को मिलता है। भारत के अंदर राइनो विजन 2020 की व्यूहरचना के मुजब हम देखें तो भारत के अंदर ये जो राइनो है उसकी संख्या 3000 तक बताई गई है। क्लियर? तो ये राइनो प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने देखा। तो आप यहाँ पे पिक्चर भी देखें जो राइनो की दी गई है, तो वन हॉर्नेड इंडियन राइनो यानी कि असम के अंदर ब्रह्मपुत्र के दलदल के अंदर इस क्षेत्र में बंगाल के सुंदरवन में इस विस्तार में ये राइनो है वो दिखने को मिलता है, जिसका सिंह कितने हैं? वन हॉर्नेड सिंह उसके होते हैं। इसके हॉर्नेट में हम देखें तो क्या होता है, तो इसके हॉर्नेट के अंदर दवाइयाँ मिलाने के कारण इस दवा बनाने के लिए इसका शिकार किया जाता है। ये तृणाहारी जीव है। संरक्षण के प्रयासों से इसकी संख्या है वो सबसे ज़्यादा आज भी बढ़ने लगी है। तो देखा आपने किस तरह से ये जो राइनो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमने देखा। अब आते हैं फोर्थ प्रोजेक्ट जो है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, यानी कि जो मगर होते हैं, जो घड़ियाल होते हैं, उसकी यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे दो पिक्चर दिए गए हैं। 9.2 के अंदर आप देखें क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर स्पेसिस, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि पहले पिक्चर में क्रोकोडाइल है और दूसरे में हम यहाँ पे देखें तो एलिगेटर के बताया गया है, उसकी प्रजातियाँ हैं, उसके पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं।
तो यहाँ पे आप देखें, तो आप अब नेक्स्ट पेज पे आएं, यहाँ पे हम देखें तो किस तरह से जो मीठा पानी होता है उसके अंदर ये जो मगर की प्रजातियाँ हैं वो 1917 के दशक के अंदर ये लुप्त होने में आई थी। इसके बाद भारत के सरकार ने समय सर क्या किया, तो इसको बचाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप कार्य किए हैं उसके कारण ये प्रजातियाँ वापस से हमें देखने को मिली। तो क्लियर क्या थी यहाँ पे हमने देखा, तो एलिगेटर और यहाँ पे देखें तो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने देखा। उसके बाद की हमारा जो टॉपिक है वो है वल्चर प्रोजेक्ट, यानी कि गिद्ध का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखें। तो जिस तरह से गिद्ध हैं जो वल्चर हैं वो कुदरत को सफाई के कामदार है, सफाई कामदार माना जाता है। जो मृत ढोर होता है वो उसका जो मांस है वो खा जाता है। भारत के अंदर गिद्ध की कुल 9 प्रजातियां हमें दिखने को मिलती हैं। गिद्धों की संख्या में असाधारण रूप के कारण 2004 के अंदर ये योजना शुरू करने में आई थी। देखा आपने, ये जो वल्चर प्रोजेक्ट है वो 2004 में शुरू किया गया, और ये जो गिद्ध की प्रजातियां हैं, ये जो वल्चर की प्रजातियां हैं वो इंडिया के अंदर हमें 9 प्रकार में दिखने को मिलती हैं। क्लियर। इसके बाद का हमारा टॉपिक है वो है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, यानी कि जो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट है यानी कि हिम दीपड़ा होता है उसके बारे में हम देखें तो क्या बताया गया है। तो हिमालय के लगभग 3000 मीटर ऊंचाई के ऊपर हमें ये प्रजाति देखने को मिलती है। स्थानिक लोगों के अंदर ये जो लेपर्ड है यानी कि स्नो लेपर्ड है उसके बाद की जानकारी हमें संरक्षण के लिए लोगों में जागृति दिखने को मिलती है। प्रजातियां हैं वो बर्फ के अंदर इसकी प्रजातियां हैं वो दिखने को मिलती हैं। कहाँ पे, तो लोगों ने क्या किया, तो ये जो स्नो लेपर्ड है उसे बचाने के हेतु के कारण इसमें हम देखें तो 2000 की साल में क्या किया, तो ये परियोजना शुरू की जिसके कारण कश्मीर में हंगुल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में देखे जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार के जो डियर है उसकी प्रजाति को बचाने के लिए मणिपुर थामिल परियोजना, गंगा ब्रह्मपुत्रा में नदी में दिखने में आई जो गंगा डॉल्फिन परियोजना भी आज भी हमें कार्यरत दिखने को मिलती है। तो देखें यहाँ पे तो इस प्रजातियों को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो योजनाएं हैं, जो अलग अलग जो स्कीम है वो भी बनाई गई जिसके कारण आज ये जो प्रजातियां हैं वो हमें थोड़े अंश में इस प्रजाति को हम बचा सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमें जो अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं और बायो रिसोर्सेस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पर रिवाइंड करें और रीड करें जिसके कारण आप इसे आसानी से समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।